शनिवार को शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल अटाहेड़ा में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पालकों ने बहुत ही ध्यान से मीटिंग को अटेंड कर अपने बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य ने सभी पालकों को निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया और मास्क सदैव पहने हेतु प्रेरित किया। कुछ पालकों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति समस्याओं को भी बताया, जिसका निराकरण विद्यालय के शिक्षकों ने मीटिंग में ही कर दिया। मीटिंग में आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी और घर पर बच्चों को 3 से 4 घंटे स्कूल समय के अतिरिक्त पढ़ने हेतु पालक बिठाए आदि विषयों पर चर्चा की गई। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। पिताजी बोल रहे थे घंटे के लिए बैठकर, माता जी बोल रहे थे तो नहीं बैठ रहा। वहां पर क्या दोनों तरफ से आप ऑब्जर्वेशन होगा, आप लोग घर पे ध्यान दें और हम लोग क्लास में ध्यान दें। जब आप लोग घर में ध्यान देंगे और हम स्कूल में ध्यान देंगे तो वास्तव में बच्चे का परिणाम अच्छा आएगा। और उसी के लिए आप लोगों को ये सभी के नंबर दिए जा रहे हैं कि आप क्लास टीचर से बात कराएं, फिर भी नहीं माने तो फिर मेरे से बात कराएं। और इस प्रकार से ये जो आगामी बोर्ड परीक्षाएं हैं, जो जिसका समय बहुत कम बचा है, 1 महीने 1.25 महीने के अंदर परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी। 18 फरवरी से परीक्षाएं हैं और आज हम 8 तारीख को बात कर रहे हैं, मतलब 1 महीना 10 दिन। और उसमें से आप 10 दिन तो भूल ही जाओ, कहीं ना कहीं छुट्टियां और ये करके 1 महीना बचा और 1 महीना और बच्चे के पास 5 या 6 विषय है, तो अगर हम 1 विषय में उस महीने को बांट दे तो मुश्किल से बच्चे के पास 5-6 विषय को पढ़ने के लिए बचा। अब एक बच्चे के पास एक विषय के लिए 5-6 दिन बचा है और अगर हमने उसमें भी ध्यान नहीं दिया तो परीक्षा परिणाम विपरीत आएगा, और अगर हमने ध्यान दे दिया तो परीक्षा परिणाम बेहतर आएगा। जैसा आप लोगों को मैं उदाहरण बताता हूँ कि हम लोग सभी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं। यदि डायरेक्ट अगर वार्षिक परीक्षा देगा तो उसका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहेगा। जब वो मासिक टेस्ट देगा, साप्ताहिक टेस्ट देगा, यहाँ पे जो लिए जाते हैं, है ना, उसके बाद त्रैमासिक परीक्षा हुई उसका उसने टेस्ट दिया, अर्धवार्षिक परीक्षा हुई उसका उसने परीक्षा दिया, ऐसे क्या होता, वो तैयार होता है। और तैयार होने के बाद जब वार्षिक परीक्षा में जाएगा तो उसके मन में जो भय है वो भय उसका खत्म हो जाएगा परीक्षा के प्रति। जो विद्यालय में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है उनका उद्देश्य बच्चों को पूरी तरह से वार्षिक परीक्षा के प्रति तैयार करना और उसकी नींव मजबूत करना। इसलिए अभी अगर प्री बोर्ड परीक्षा शीघ्र होने वाली है, वो होती है, तो आप सभी लोग अपने बच्चों को 100% उन परीक्षाओं में शामिल करें, जिससे उनकी वार्षिक परीक्षा की तैयारियां बहुत अच्छे से हो सके। मेरा आप लोगों से 2-3 बातों पर निवेदन है कि आप लोग बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, जो पेरेंट्स बहुत जागरूक है, वो बहुत अच्छे से भेज रहे हैं, बच्चे नियमित स्कूल आ रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस में ऐसे बच्चे जो आपके गाँव में पढ़ते हैं और वो स्कूल नहीं आ रहे, तो आप उन लोगों को भेजें। कोविड के कारण थोड़ी सी 50% की क्षमता जरूर कर दी है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास 236 बच्चे हैं, तो कभी भी 100 बच्चों के ऊपर नहीं आए। इस कारण हमने कोई सी भी क्लास को बंद नहीं कराया कि केवल 10वीं 12वीं की हम क्लासेस चालू रखेंगे, क्योंकि जो अपनी क्षमता है 50% की, उससे ज्यादा बच्चे आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।